वेलकम टू एसएससी माइंड ट्री। चलिए हम रीजनिंग के 8 फेब 2017 के बचे 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट जो कि 1 से 10 क्वेश्चन जिसमें थे वो हमने कल अपलोड किए थे, आपने देखा उसे। चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड आज देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के जो पहले क्वेश्चन है आपको देखते हैं जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सीरीज से है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो प्लेस वैल्यू हम फटाफट लिख लेते हैं 8, 9, 15, 16, 23 और 24, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि क्या सीरीज इसमें बन रहा है, कौन सा सीरीज बन रहा है। तो ठीक, देखिए यहाँ पे 7, 7, जब 8 में आप 7 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर अगर इसमें आप 8 ऐड करते हैं तो 23 आ जाएगा और इसमें 8 ऐड करते हैं तो 24, यानी कि एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। तो पीछे एक 6 कम होगा, ठीक है। तो देखिए अब जब 8 में से आप 6 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 2, और जब आप 9 में से 6 माइनस कीजिएगा 3, यानी 2 का प्लेस वैल्यू कितना, 2 का कितना होता है, 6, 2 का प्लेस वैल्यू होता है और 3 किसका होता है, 3 सॉरी 2 का बी होता है और 3 का सी होता है। तो बी सी हो जाएगा सेकंड नंबर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो बी सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या किया गया है, ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है। देखिए 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 24। तो जब आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576, ठीक है। तो 576 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप मिनिमम 25 तक स्क्वायर, ठीक है, और 15 तक क्यूब याद कर लीजिए, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सीरीज से ही है। तो देखिए चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिए 5 में अगर आप 2.5 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 7.5। अगर 7.5 में अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 12.5, और 12.5 में अगर आप 10 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 22.5। तो देखिए क्या किया, 2.5 ऐड किया गया, 5 ऐड किया, 10, यानी इस जो वैल्यू उसको डबल कर दे रहा है। तो हम 10 को भी डबल करेंगे तो 20, यहाँ पे हम प्लस 20 कर देंगे। जब आप प्लस 20 करेंगे तो 42.5, ठीक है। तो 42.5 पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें डबल करते जा रहा है, ठीक है, जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है उसको डबल करके नेक्स्ट में ऐड कर दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विनीत इज टॉलर देन रमन, ठीक है। तो विनीत जो है वो रमन से बड़ा है, ठीक है, बट शॉर्टर देन ज्योति, बट ज्योति से छोटा है, ठीक है। सुमित इज शॉर्टर, सुमित सबसे छोटा है, ठीक है, तो सुमित यहाँ आ जाएगा। दीपक इज टॉलर देन सुमित, दीपक से बड़ा, सुमित से बड़ा दीपक है, तो दीपक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट शॉर्टर देन रमन, बट रमन से दीपक जो है वो छोटा है, ठीक है, ये स्मॉल है इससे, यानी कि ये बड़ा है और दीपक छोटा है रमन से। हु इज टॉलर, बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो हम सबसे छोटे वाले को काटेंगे। देखिए ज्योति से छोटा था विनीत कट गया, विनीत से छोटा है आर कट गया, और एस तो सबसे छोटा था ये भी कट गया, और देखिए डी जो है वो आर से भी छोटा है और आर जे से छोटा था, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बट ज्योति सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसे हमें डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रेनबो, आर ए, सब में आर ए है। नेक्स्ट वाला देखेंगे आर ए आई, देखिए 2 और 3 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आर ए एन और टी है, ठीक है। और इसमें देखिए पहला और चौथे वाले पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है,
RANBOW, ठीक है, इसमें दिया हुआ है RANNY, ठीक है। तो देखिए R भी इसमें सेम है, A भी सेम है, I भी सेम है, N भी सेम है, बस इसमें Y है और इसमें B है। तो पहले कौन आ जाएगा, पहले पहला आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला तीनों में हम अगला वाला चेक करेंगे, ठीक है। अब आप हम देखिए, हम देखते हैं, देखिए इससे पता चला कि दो नंबर पे तो पहला है और चौथा है, पहला और चौथा दो दो में है। हम अगला देखेंगे, देखिए इन दोनों में हम देखेंगे सेकेंड और थर्ड में, देखिए RRARAN और T, इसमें N है और इसमें तीसरे नंबर पे T है, तो हमारा दूसरा आ जाएगा तीसरे नंबर पे। देखिए दूसरा तीसरे नंबर पे कौन से है, पहला चौथा और दूसरा फिर तीसरा, यानी दूसरा जो आंसर है हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कोड दिया हुआ है, जैसे बोरो दिया हुआ, बोरो का कोड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ BOR OW, इसका कोड दिया हुआ है 7 6 9 9 6 और 5, ठीक है। वैसे ही हमें दिया हुआ है BOMB, बम्ब का दिया हुआ है 7 6 4 7 बताना है, WOMB का। तो देखिए W का क्या है, यहाँ से W का 5 है, तो 5 सारे में, अगला देखेंगे O का क्या है, O का यहाँ से 6 है, तो 6 हो जाएगा, 5 के बाद 6, देखिए दो में है, A और A ऑप्शन गए, अब दो बच रहा है, ठीक है। अगला वाला देखेंगे M, M का क्या है, M यहाँ से देखिए M का 4 है, तो पहले वाला हम देखिए 5 6 4, इसमें 4 नहीं है तो A गया, पहला बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, ठीक है। इसे हम एलिमिनेट करके बना सकते हैं ऑप्शन को, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो मिसिंग टर्म, ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, इस रो को आप ऐड कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 30, इस रो को ऐड कीजिएगा तब भी 30, तो इस रो को ऐड करेंगे तो 30 आंसर, तो 20 तो दिया हुआ है, 10 ऐड करेंगे प्लस 10 तो आएगा आपका 30, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 30 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला लगता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था दो तीन वीडियो पहले कि कैसे यूज करते हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 7B, बी देखिए बी डिनोटेड फॉर सब्सट्रैक्ट, बी माइनस, ठीक है, उसके बाद 17, सी देखिए सी डिनोट फॉर एड 88, और डी डिनोटेड फॉर डिवाइड 11, ठीक है, एंड ए डिनोटेड फॉर मल्टीप्लाई 6। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है, और ए 6 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ से आप -10 आ जाएगा, 17 में से 7 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा +48, ठीक है, 8 6 48, ठीक है। अब जब आप इससे माइनस कीजिएगा तो 38, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जो प्लेस है वहाँ पे भरना एक तरह का सीरीज का ही है, ठीक है, हमें कंप्लीट करना है इस सीरीज को। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि ABC, ये जो भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, BP, अब सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ठीक है, तो हम चार चार में से डिवाइड कर लेंगे 4 4 और 4, तो देखिए यहाँ पे दूसरे पे बी है तो यहाँ भी बी आएगा, तो बी, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में ए है, यहाँ पे फर्स्ट में ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ भी फर्स्ट में ए रहेगा, यहाँ पे देखिए ए आएगा क्योंकि फर्स्ट में और लास्ट में, देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ भी सी आएगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा BAAC, देखिए कहाँ है BAAC, पहला और ऑप्शन, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आप काउंट करके और उसे जितने पार्ट में हो
उसे तोड़ लीजिए सेम पार्ट में। अगर 12 का है तो आप तीन तीन में भी तोड़ सकते हैं, अगर 16 का है तो चार चार में भी तोड़ दीजिए, ठीक है। 20 का है तो पाँच पाँच में तोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अगर इस वाले में अगर फर्स्ट प्लेस पे ए है तो यहाँ के फर्स्ट प्लेस पे भी ए होगा, यहाँ बी है सेकेंड पे तो यहाँ भी बी ही होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। राहुल मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ के तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये साउथ हो गया, 5 किलोमीटर चलता है। देन टेक लेफ्ट टर्न, आप एज्यूम कीजिए कि आप खुद साउथ के तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट टर्न करता है 5 जाता है, ठीक है। और अगेन अगेन ही टेक लेफ्ट टर्न, फिर अगर आप ईस्ट के साइड में जा रहे हो, आप एज्यूम करो कि आप ईस्ट के साइड में जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट टर्न करते हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या, फाइनली ही मूव 5 टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट किधर है मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इधर होगा, ठीक है। तो इधर मूव करता है वो 5, ठीक है, 5 मूव करता है। बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, यहाँ से स्टार्ट किया था, बताना है कि यहाँ से एक किस डायरेक्शन में अभी है। तो आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, आज का 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो अगले शिफ्ट में आए हुए होंगे। अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी जो भी रीजनिंग में कम ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से वो फ्लो में रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।